जिला गौरेला की बात करते हैं। पेंड्रा मरवाही लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 वर्ष पहले करोड़ों रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज हाल अपने आप में बयान करता हुआ, जो उद्घाटन के बाद मात्र 2 दिन ही लाइट चली, तब से आज तक बंद है। हैरानी तो तब होती है, रोजाना शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों का आना जाना है, पर किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। रात्रि होने पर लोगों को आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंधेरे का फायदा, कुछ आवारा गुंडे किस्म के लोग शराब पीने का अड्डा बना लेते हैं। गुंडागर्दी लूटपाट जैसी वारदात यहां होती रहती है। लोगों द्वारा और मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को लाइट व्यवस्था ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज तक शासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। छत्तीसगढ़ से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइट रहने से बहुत सारी दुर्घटना होती है, जो दारू पीकर, छेड़छाड़ी पीकर, लड़ाई झगड़ा और कई प्रकार के यहाँ उससे परेशानी से सामना करना पड़ता है। हाँ, रहती है रात में, शाम टाइम ज़्यादातर भीड़ भाड़ रहती है यहाँ, इसलिए अंधेरा की वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में। जब से ये ओवरब्रिज बना है तब से यहाँ मात्र 2 दिन लाइट चली, उसके बाद अंधेरा और आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है, लोग नशा पत्ती करते हैं, गाड़ी गलौज करते हैं। तो बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक दिल्ली न्यूज़। नमस्कार।